अनंत और नंदिनी की शादी कुछ महीनों पहले ही हुई थी। नंदिनी अनंत के साथ बहुत खुश थी। अनंत अपनी पत्नी नंदिनी का बहुत ख्याल रखता था। अनंत एक सरकारी नौकर था। अनंत के परिवार में उसकी माँ रुक्मणी, पिता राजेश और एक छोटी बहन निधि थी। आज अनंत सुबह जल्दी ही अपनी ड्यूटी पर चला गया। नंदिनी किचन में जाकर अपनी सास और ससुर के लिए नाश्ता तैयार करने में लगी, तभी किचन में उसकी सास रुक्मणी आ गई। वह नंदिनी को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, लाओ बहू, चाय मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप और पिताजी, बस आराम कीजिए। सुबह से लेकर शाम तक तुम दिन भर घर का काम करती हो, थक जाती होंगी ना। बहू, मेरा भी मन करता है कि मैं तुम्हारे काम में हाथ बटाऊं, लेकिन एक तुम हो कि किसी काम से मुझे हाथ ही नहीं लगाने देती, क्योंकि आपकी और पिताजी की उम्र अब आराम करने की है। घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है। आप बैठिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। हमारे तो भाग्य ही खुल गए जो हमें तेरे जैसी संस्कारी बहू मिली। जरूर हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। हाँ, इतना कहकर नंदिनी की सास मुस्कुराते हुए चली गई। नंदिनी अपने सास और ससुर का बहुत ख्याल रखती थी। अनंत के परिवार में नंदिनी से सभी लोग बेहद खुश थे। नंदिनी की ननद निधि भी नंदिनी से अपने दिल की हर बात कर लेती थी। वह दिन भर अपनी भाभी के आगे पीछे फिरती रहती थी और सारे मोहल्ले में केवल और केवल अपनी भाभी की ही तारीफों के फूल बांधते रहती थी। नंदिनी नाश्ता तैयार करके घर के और कामों में लग गई। नंदिनी का इसी तरह पूरा दिन बीत गया। नंदिनी रात का खाना बनाने किचन में चली गई। उसने सब्जी काटकर कुकर में डालने के लिए कुकर के ढक्कन को जैसे ही खोला तो नंदिनी की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। उसने देखा कुकर में एक बेहद भयानक दिखने वाली औरत का कटा हुआ सिर नंदिनी की ओर घूर घूर कर मुस्कुरा रहा था। उस खौफनाक मंजर को देखकर नंदिनी के गले से चीख निकल गई। चीख सुनकर उसके सास ससुर और निधि तुरंत दौड़े दौड़े चले आए। नंदिनी लगातार चीखे जा रही थी। रुक्मणी ने घबराते हुए नंदिनी की ओर देखकर कहा, क्या हुआ नंदिनी, सब ठीक तो है? नंदिनी दौड़ती हुई अपनी सास के गले लग गई और कपकपाते हुए बोली, माँ जी, वो कुकर में मैंने किसी औरत का भयानक कटा हुआ सर देखा। नंदिनी की बात सुनकर रुक्मणी, निधि और राजेश तीनों एक दूसरे के चेहरे की ओर देखने लगे। निधि तुरंत कुकर के पास चली गई, मगर उसने देखा कुकर में कुछ नहीं था। उसने नंदिनी की ओर देखकर कहा, भाभी, कुकर में तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली है। नंदिनी ने कुकर में देखा तो उसमें वाकई कुछ नहीं था। निधि ने मुस्कुराकर नंदिनी की ओर देखकर कहा, लगता है आपको थकान हो गई है भाभी। कितनी बार कहा है कि कभी कभार आराम भी कर लिया करें। आप एक काम कीजिए, आप जाकर आराम कीजिए, खाना मैं बना देती हूँ। निधि सही कह रही है बहू, तुम जाकर आराम कर लो। नंदिनी को अभी भी विश्वास नहीं आ रहा था जो उसने देखा था। क्या वो केवल भ्रम था? मगर कुछ ही देर में नंदिनी नॉर्मल होकर बोली, शायद आप सब सही कह रहे हैं। हो सकता है नींद न पूरी होने की वजह से मुझे वहम हो गया हो। आप जाइए, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। लेकिन बहू, आज खाना मैं और निधि बना लेते हैं, तुम आराम कर लो। माँ जी, मैं ठीक हूँ। नंदिनी की बात सुनकर वो सब मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। नंदिनी खाना बनाकर अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। उसे अपने सर में बहुत ज्यादा भारीपन महसूस हो रहा था और बहुत ज्यादा थकान भी महसूस हो रही थी। उस रात नंदिनी बगैर खाए पिए गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह नंदिनी फिर से घर के काम में लग गई और इसी तरह नंदिनी का सारा दिन गुजर गया। शाम तक नंदिनी कल वाली सारी घटना को भूल चुकी थी। नंदिनी रात का खाना बनाने से पहले बर्तन साफ कर रही थी। किचन के नल का पानी खुला हुआ था और नल में से पानी लगातार बह जा रहा था। अचानक नंदिनी ने देखा नल में से पानी की जगह खून बहने लगा। ये देखकर नंदिनी के होश उड़ गए। उसने चीखना चाहा, मगर उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके गले को किसी ने बुरी तरह से जकड़ लिया हो। नंदिनी के हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया। देखते ही देखते नल में से पानी की जगह निकल रहे खून ने एक बेहद काले धुएं का रूप ले लिया और देखते ही देखते उस धुएं ने एक बड़ी ही खौफनाक आकृति शक्लें इख्तियार कर ली। कुछ ही देर में वो आकृति एक भयानक औरत के रूप में बदल गई और अपनी लाल लाल आंखों से नंदिनी की ओर घूर कर देखने लगी। नंदिनी का मुंह अपने आप खोल गया
अचानक वो धुआं नंदिनी के मुंह के अंदर प्रवेश कर गया और नंदिनी बेहोश हो गई। कुछ देर बाद नंदिनी होश में आ गई। वो किचन से बाहर की ओर आ गई। किचन के बाहर नंदिनी की सास और ससुर डाइनिंग टेबल पर खाने का वेट कर रहे थे। नंदिनी अपने कमरे की ओर धीरे धीरे कदमों से चलने लगी कि तभी नंदिनी को देखकर उसकी सास रुक्मणी मुस्कुराकर बोली, अरे बहू क्या हुआ, अभी तक खाना नहीं बना? नंदिनी की सास का इतना कहना था कि नंदिनी ने बेहद गुस्से भरी आवाज में अपनी सास की ओर देखकर कहा, तेरा दिमाग तो ठीक है बुढ़िया, मैं तेरे बाप की नौकरानी नहीं जो तेरे लिए खाना बनाऊंगी। चल उठ, जल्दी से किचन में जाकर खाना बना तू और मुझे भी खिला, बहुत तेज भूख लगी है मुझे। नंदिनी की बात सुनकर रुक्मणी की हैरत की इंतहा नहीं रही। अचानक रुक्मणी के चेहरे पर क्रोध झलकने लगा और वो गुस्से में नंदिनी की ओर देखकर बोली, बहू ये तुम कैसी बातें कर रही हो? रुक्मणी का इतना कहना ही था कि नंदिनी तेज तेज कदमों से रुक्मणी के पास आ गई और एक जोरदार चांटा रुक्मणी के गाल पर जड़कर भारी आवाज में बोली, वही जो तू सुन रही है बुढ़िया। थप्पड़ खाकर रुक्मणी बुरी तरह से डर गई और धीरे धीरे कदमों से किचन की ओर चल गई। यह सब देखकर नंदिनी के ससुर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह चिल्लाते हुए बोले, बहू ये तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें अपने बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। राजेश का इतना कहना ही था कि नंदिनी ने गुस्से से राजेश का गला पकड़कर ऊपर उठा दिया और गुस्से से बोली, रुक्मणी खाना बना रही है तो तू जाकर बर्तन धो, नहीं तो तेरा गला घोटकर तुझे यही मार दूंगी। नंदिनी की आंखें देखकर राजेश के डर से रोंगटे खड़े हो गए। वह तुरंत किचन की ओर भागा। निधि जो कि अब तक अपने कमरे में थी, उसे नहीं पता था कि बाहर क्या चल रहा है। वह कमरे से बाहर आकर नंदिनी से बोली, भाभी माँ और पापा कहाँ हैं? रुक्मणी किचन में खाना बना रही है और तेरा बाप बर्तन साफ करेगा। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? निधि ने इतना कहा था कि नंदिनी ने एक जोरदार चांटा निधि के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ खाकर निधि वहीं बेहोश हो गई। उस रात के बाद नंदिनी पूरी तरह से बदल गई। अनंत जब सुबह अपनी ड्यूटी पर चला जाता तो नंदिनी का रवैया अपने ससुर और ननद के लिए बेहद खराब हो जाता। वो सारा दिन उन तीनों से पूरे घर का काम करवाती और रात में अनंत जैसे ही घर पर आता, नंदिनी तुरंत सही हो जाती और अपने सास ससुर से ऐसे बात करने लगती जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। नंदिनी का रवैया दिन पर दिन अपनी सास ससुर और ननद के लिए बेहद खराब होता जा रहा था। एक रात अनंत के आने से एक घंटे पहले नंदिनी की माँ रुक्मणी एक तांत्रिक को बुलाकर अपने घर ले आई। तांत्रिक के आते ही नंदिनी बुरी तरह से क्रोधित हो गई और चीखते हुए भारी आवाज में तांत्रिक की ओर देखकर बोली, तो आखिरकार तू यहाँ आ ही गया, मुझे तेरा ही इंतजार था। कौन है तू और तूने इसके शरीर में अपना कब्जा क्यों जमा रखा है? तांत्रिक का इतना कहना ही था कि तभी अचानक नंदिनी का चेहरा किसी दूसरी औरत के चेहरे में परिवर्तित हो गया। यह देखकर रुक्मणी राजेश और नीति के हैरत के इंतजार में नंदिनी बेहद भयावह हंसी हंसते हुए बोली, अब समझ आया कि मैं कौन हूँ? नामुमकिन, नामुमकिन, मैंने तेरी आत्मा को तो कैद कर दिया था और मैंने तेरे कैद के बंधन को तोड़ दिया। इतना कहकर नंदिनी का चेहरा बेहद भयानक हो गया। उसके हाथों में भेड़िए जैसे पंजे निकल आए। नंदिनी ने एक ही झटके में तांत्रिक की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। तांत्रिक की चीख पूरे घर में गूंज गई। यह देखकर निधि चीखते हुए बाहर दरवाजे की ओर भाग गई। तभी उस भयानक औरत ने निधि की रफ्तार से निधि का गला कसकर पकड़ लिया और एक ही झटके में निधि की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। यह देखकर अनंत के गले से एक जोरदार चीख निकल गई। अनंत जो कि आज वक्त से पहले ही घर आ गया था, इस मंजर को फटी फटी आंखों से देख रहा था। अनंत कपकपाती हुई आवाज में बोला, कौन हो तुम? तुमने मेरी बहन को क्यों मार दिया? अनंत का इतना कहना ही था कि तभी वो भयानक औरत एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। ये देखकर अनंत की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। वो उस स्त्री की ओर देखकर बोला, तुम तो दिव्या हो, मेरी पत्नी, तुम कहां चली गई थी? मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। अनंत की बात पर दिव्या की आंखों में आंसू आ गए और वो भारी आवाज में बोली, मैं गरीब परिवार की बेटी थी अनंत, यही बात तुम्हारे माता पिता और बहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तुम्हारी गैर मौजूदगी में
ये लोग मुझसे एक नौकरानी की तरह काम करवाते, मुझे बेबात पर मारती पीटती, इससे भी इन पापियों का दिल नहीं भरा। तो एक दिन इन सब ने मुझे तुम्हारी गैर मौजूदगी में मार कर काट कर फेंक दिया और इसी घर में दफना दिया। लेकिन जब मेरी आत्मा इन सब को परेशान करने लगी तो इन सब ने इसी तांत्रिक को बुलाकर मुझे कैद कर दिया और मैं आजाद हो गई। मैं सबको मार दूंगी, सबको मार दूंगी मैं। नहीं दिव्या, इनके किए की सजा इन्हें कानून देगा, मैं इन्हें सजा दिलवाऊंगा। अनंत ने उसी रात पुलिस को वहां पर बुला लिया। पुलिस ने दिव्या की डेड बॉडी घर से बरामद कर ली। अनंत के माँ बाप को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। उसके बाद नंदिनी हमेशा हमेशा के लिए सही हो गई। नंदिनी को आज तक याद नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ था। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी और नई कहानियों के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल अक्षु टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।